भाई खाया हुआ ऐसे ही मैं यार। तो मैं तो मना ही नहीं कर रहा ना। हेलो जी, तो अभी अभी हम बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और आई विश के रिकॉर्ड हो रहा हो। चार्जिंग पे लगा दिया मैंने अपना गोप्रो और अब आगे चल रहे हैं। फाइनली इंडिया में आपका स्वागत है गाइस। अब सारी INDI प्लेट दिखेगी। वाओ गाइस वाओ। भैया मनी एक्सचेंज नहीं कराई? मनी एक्सचेंज भैया मनी एक्सचेंज कराना है। सुभाष की जाना है कहाँ पे? जनरल स्टोर। सुभाष जनरल स्टोर कह रहे कोई फ्लो में निकला है और तेरा सुभाष जनरल स्टोर और मनी एक्सचेंज कराई नहीं। चलो मिलते हैं प्रोसेस करा के। हो गया भाई मनी एक्सचेंज और अपनी बाइक भी रिजर्व में आ गई है। 196 किलोमीटर। प्लान कहाँ का था? बनबासा निकले हैं सलोनी बॉर्डर की साइड। अलग ही चल रहा था भाई हमारा तो। फाइनली पर आ गए हम। अब यहाँ से हमारा घर लगभग 1000 किलोमीटर रह गया। टॉल रोड स्टार्ट। इसके बाद हमारी सिम चल जाएगी, फोन में गाने चल जाएंगे, नेटवर्क आ जाएंगे, नेट चलेगा, सब चीज हो जाएगी भाई, सब चीज हो जाएगी। ये देखो बहन गाइज वो देखो, वेलकम यू ऑन कमिंग इन इंडिया। सुनो 9 बजे तक खींचते हैं फिर रुकेंगे आराम से। ये तो बोला ही मैंने कैमरे में। अच्छा ही बोल दिया पहले ही। चलो फिर मेरे को फ्यूल अप करवाना पड़ेगा, रिजर्व में आ गई है मेरी। तो इंडिया में आके अब होगा हमारा फ्यूल अप। 199.4 किलोमीटर। हाँ हाँ 97। आये 97। फाइनली भैया फुल कर दो। 200 रुपए पेट्रोल का रेट देख के वापस अपने इंडिया में। 97 वो डी। ये 97 ये कौन सा है? नॉर्मल है। डाल दो फुल कर दो। अपने यहाँ दिल्ली में कितना है? इतना ही है। हाँ रोल आया है वो आया है 785.51। तो जीरो कर लेते इसका। गोरखपुर 90, वाराणसी 311, लखनऊ 394। तो इंडिया का पहला टोल। भाई रे भाई, ओ माय गॉड भाई। भाई दिल्ली है 868 ब्रो। हो आए नेपाल, हो आए हम तो। अब जिसकी नहीं है उसकी जले। अभी हम चाय वगैरह के लिए रुके थे यहाँ पे और हम यहीं चाहे थे तो यहीं रुक गए थे। चाय भी कम से कम 6-7 कप मतलब टोटल। और उसके बाद हमने पकोड़े खाए और बहुत ही बेहतरीन पकोड़े थे। अगर तुम आ रहे हो तो खा सकते हो भाई। नंबर तुम्हें दिख रहा है 8423628404। कॉल कर लेना। अबे टिड्डे भैया एक नंबर कहाँ जाऊँ? अरे भैया ये तो आज तक वीडियो में देखा है। एक सेकंड रुक जाना, चलना मत अभी। हेलो जी, तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से बाहर। अरे यहाँ बात कर रहा हूँ यार, कैमरा है यहाँ पे। अभी हम हैं बस्ती में और घर जा रहे हैं फाइनली। फाइनली दिल्ली जा रहे हैं गाइस, फाइनली दिल्ली। तो अभी भी आप बाइक ट्राई कर रहे हैं, मेरी हो चुकी है, इनकी हो चुकी है। भैया ही लेट होते हैं हर बार, फिर हमें बोलते हैं खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। फ्यूल अप फुल कर दो। ठीक है भैया। अरे लगाऊं कहाँ, यहाँ तो पूरे में धूप है। खाने वगैरह के लिए नहीं है? अरे लग गए रे। लंच वगैरह करने के बाद अपन उठ गए। अच्छा था यार खाना यहाँ पे ना, सच में। और वॉशरूम भी अच्छा है। और ये नाम है इसका, सूरज लग रहा है। तो खाने चलाते हैं।
528 लखनऊ गाइस, ये कोई कॉलेज है डिजिटल साइंस का लखनऊ में, तो आपका स्वागत है लखनऊ में। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। हम नहीं मुस्कुरा रहे क्योंकि हमें गर्मी लग रही है, हम जाम में फंसे हुए हैं, हमें इरिटेशन हो रही है। लखनऊ की हाई कोर्ट भाई साहब सुंदर है, पर जाना नहीं मुझे कभी प्लीज। ओ भाई साहब सामने देखना कौन है ये, मेरे को नहीं पता भाई। अबे कहाँ कहाँ आ गए भाई हम, इंडिया इंडिया कह रहा दिल्ली तो नहीं आ गए। बहुत ही सुंदर है यार, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। संता मलिक, दूसरा फ्यूल अप 150 चलिए, तो इसमें अभी अरे आ जाओ यार। अबे एक बंदे की जान लोगे क्या, फुल कर दो, जहाँ तक बोलूँ वहाँ तक फिल करना है। हाँ इतना ही आए होंगे। हेलो जी, तो अभी सीन ऐसा है कि पेट्रोल डला मेरे में 560 रुपए का शायद, पता नहीं। चलो चलते, अरे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे, फिर टोल कटेगा यार, घर तो जाना ही, अब क्या कर सकते। लग गए, नहीं खड़ा होगा क्या। दिल्ली से लगभग ना कम से कम 500 किलोमीटर दूर है, और पहले तो मेरा टायर था ही खराब, मतलब खराब नहीं घिस चुका था, पर भाई अब तो इसकी ना रू निकलने वाली है, जो धागे नहीं होते वो निकलने वाले हैं भाई। शायद मेरे को दिल्ली से पहले ही टायर चेंज कराना पड़े, क्योंकि ये तो फट जाएगा यार। वो तो मैंने अभी अभी देखा, यहाँ पे बीच में रुका था मैं थोड़ी देर के लिए, तो मैंने देखा मेरा टायर तो खत्म हो गया, इसका साइड में फिर भी ग्रिप है पर बीच का तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब मेरे को थोड़ा लिमिट में चलानी पड़ेगी अपनी बाइक, अब मैं ना 100 पे चला सकता हूँ ना उससे ऊपर जा सकता हूँ, उससे ऊपर रिस्की है भाई, 100 भी रिस्की है। अब मेरे को 50-60 चलानी पड़ेगी। ये एक और चक्कर बैठ गया और पूरा टायर घिस चुका है, पूरा टायर। अपने मौसम देखो कितना खूबसूरत है, फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे, थक चुके हैं यार, मतलब मैं तो थक चुका हूँ। और 6 बज रहे हैं और अभी भी लगभग 7.5 घंटे लगेंगे हमें 406 किलोमीटर के लिए, तो बस फिलहाल तो ये रात में लगभग 2-3 बजे पहुंचूंगा मैं इस बार भी। पिछली बार तो मैं 4 बजे पहुंचा था सुबह, 3 बजे पहुंचा था शायद सुबह, आज भी यही टाइम लग जाएगा मुझे आने में। आज कंप्लीट करना पड़ेगा वरना कल धूप में चलानी पड़ेगी, और मेरे पास हिम्मत नहीं है भाई मैं एक और दिन धूप में चलाऊं। आज तो कंप्लीट कर देंगे रात रात में। क्या नहीं नहीं टायर की तो वाट लगी हुई है भाई। फाइनली भाई दिल्ली लिखा हुआ है, और अभी किलोमीटर 360 दिखा रहा गूगल मैप, पता नहीं ऊपर नीचे हो रहे बार बार किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है। तो भाई दिल्ली अभी है 350 किलोमीटर, आगरा 150 बोर्ड दिखा रहा है, लगभग 125 किलोमीटर बाद ब्रेक लिया, हालत खराब हो गई यार। तो अभी अभी हम रुके और अभी हम हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे, और ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाले पे भी रुके थे, सेकंड वाले पे भी रुके, और अभी टाइम हो रहा है 8:02, हालत खराब हो रही है। अभी अभी कॉफी मारी है, चश्मा भी टूटा हुआ है, पूरी कीड़े दिख रहे हैं इसमें, कीड़े ये भी साफ करूंगा बस फिलहाल तो है। मैं चश्मा जो नए वाला ना यार वो पहन सकता हूँ, पर उसका भी हाल यही हो जाएगा, हेलमेट में ना पहना नहीं जाते ग्लासेस, इस चक्कर में मैंने ये पहने हुए। फिलहाल भैया वहाँ पे चाय वगैरह ले रहे हैं। कह रहा खिड़की पे आ जाओ। औसम भाई औसम, हाँ भाई क्या हाल है। हाँ भाई बेटा क्या हाल है। बेटा तुम्हारे पापा की उम्र क्या है। अरे तो क्या हो गया, 9% बैटरी रह गई है मेरे सिर्फ GoPro में। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, हाँ दोबारा नहीं कटेगा, वहाँ कटेगा उस वाले में, ये तो स्कैन करेंगे। तो भाई लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेस हाईवे हमने क्रॉस कर दिया था, अब हमें जाना आगरा टू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे, जो यहाँ से ट्रन दिखा रहा है मुझे अभी बस पहुँचने वाले 2.2 किलोमीटर दिखा रहा है बस, उसके बाद हम आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे होंगे जो हमें दिल्ली लेके जाएगा। ये रहा सामने लिखा हुआ 2 किलोमीटर बस,
तो फाइनली गाइस 230 किलोमीटर है अपना घर और दिल्ली लगभग 200 किलोमीटर है। बस सिर्फ दो ब्रेक में अपन पहुंच जाएंगे भाई, सिर्फ दो ब्रेक में। और घर वालों को बता दिया पर पापा को नहीं बताया, पापा के लिए सरप्राइज है गाइस। पापा को नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ, मम्मी को बता दिया मैंने। ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा बड़ा मन है यार पापा मम्मी से मिलने का, भाई बहन से मिलने का बहुत मन है, बहुत ज़्यादा। 12-13 दिन हो गए हैं यार, सिर्फ बात नेपाल में तो बात भी नहीं हो पा रही थी, सिर्फ वाईफाई मिल रहा था तब बात हो रही थी। सोचो कितना बुरा टाइम था। हाँ अभी हम डलवाने आए हैं फ्यूल। नोएडा की साइड जब जाओगे तो उस साइड फ्यूल नहीं पड़ता है, फ्यूल स्टेशन नहीं है कोई, पुल के नीचे से तुम्हें इस साइड आना पड़ता है फ्यूल डलवाने के लिए। मेरी बहुत ज़्यादा कम है तो मैं जल्दी जल्दी से रिकॉर्ड कर लेता हूँ। फाइनली नोएडा आ गए हम, अब घर जाना है बस। तो भाई ये जो है ना, ये मैंने अभी जोमेटो से मंगाया था, पहले मैं इसका हाल दिखा देता हूँ। ये है भाई खाया हुआ, ठीक है। और जो भाई लेके आया था ना उससे भी मिलवा देता हूँ ज़रा। तो भाई ये है वो भाई जो ऑर्डर लेके आया था, ठीक है। ध्यान से देखो भाई, ये लो पकड़ो और चेक करो भाई, ठीक है। पकड़ो भाई, पकड़ो भाई, खाया हुआ ऐसे ही मैं यार। तो मैं तो मना ही नहीं कर रहा ना। कुछ कह रहा हूँ यार, पिज्जा खाया हुआ कैसे आ जाएगा यार, मैंने इसलिए तो वापस आता ही नहीं मैं। क्या अब क्या करना पड़ेगा इसका?